आइए अब एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट अमाउंट ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 17 और लास्ट टर्म यानी ए एन इज गिवन है 350। एंड इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस गिवन है 9, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी हमसे पूछ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी, यानी एन कैलकुलेट करना है एंड व्हाट इज देयर सम, यानी उनका सम भी कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जनरल टर्म का यूज करेंगे। जनरल टर्म होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए एन। ए एन है 350, फर्स्ट टर्म है 17, एन हमें कैलकुलेट करना है, डी गिवन है 9। तो एन माइनस वन इंटू नाइन इक्वल्स टू होगा 350 माइनस 17 के, यानी 333 बचेगा और ये है एन माइनस वन इंटू नाइन। अब इस 9 से इस ये 333 हम कैंसिल कर सकते हैं बाय, यहाँ पे 37 टाइम्स जाएगा और n माइनस वन इक्वल्स टू होगा 37 के, यानी n की वैल्यू होगी 38। और अब हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करके सम कैलकुलेट करेंगे। ये होता है एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 38, तो यहां लिखेंगे 38। ए की वैल्यू हमें गिवन है 17 और लास्ट टर्म गिवन है 350। इस 2 से इस 38 को कैंसिल कर सकते हैं, मिलेगा 19 और ये होगा 367। यानी फाइनली इन 19 और 367 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 6973। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।